फलौदी में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजकीय चिकित्सालय परिसर पहुंची है, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा सहित समूचे नर्सिंग कर्मियों ने अभिवादन के साथ वैक्सीन का स्वागत किया। बीसीएमएचओ महावीर सिंह भाटी ने मिली जानकारी के अनुसार आज राजकीय चिकित्सालय परिसर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को लोहावट में व 23 जनवरी को राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि वैक्सीन आने की सूचना पर जहाँ एक ओर शहर में खुशी का माहौल है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वैक्सीन के आने की खुशी जताई जा रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज अपने यहाँ पे राजकीय चिकित्सालय फलौदी में कोविशील्ड की वैक्सीन पहुँच गई है और उसे प्रॉपरली जहाँ पे रखना है आईएलआर में उसको रख दिया गया है और उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। परसों इसका टीकाकरण का कार्य सीएचसी के हेल्थ वर्कर के लिए शुरू किया जाएगा और उसके लिए जो है वो आगे जिले स्तर से जो भी दिशा निर्देश होते हैं और जो बेनिफिशियल लिस्ट आते हैं उसके हिसाब से टेम्परेचर बहुत मायने रखता है सर। जी सेंसिटिव है, इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखना जरूरी है।